नमस्कार। यीशु के प्यारे भाइयों और बहनों, कल का सुसमाचार यीशु हमें बता रहा है कि जो लोग यीशु 5,000 लोगों को रोटियां और मछलियां दे दिया उस दिन दे दिया, लेकिन कुछ लोग उन लोग में से यीशु मिलने के लिए देख रहा था, इधर उधर देख रहा था, लेकिन नहीं मिला, यीशु के नहीं मिला और उनके शिष्यों भी नहीं मिला। इसलिए नावों पर उन लोग सवार हो गए, यीशु के देखने के लिए हो गए। उसके बाद जो लोग यीशु के मिला उस समय उनसे कहा यीशु से कहा कि गुरुवार आप यहाँ कब आए। उसके यह सवाल सुन करके यीशु जो लोग से यह उत्तर दिया, आप लोग मैं यह कहता हूँ, तुम आप मुझे देखने के लिए और मिलने के लिए कारण चमत्कार देखने के कारण नहीं लेकिन बल्कि रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो, इसलिए आप लोग मुझे मिलने के लिए कोशिश कर रहे थे। यीशु यह उन लोगों को कहा। उसके बाद यीशु उन लोगों को बोला कि भोजन के लिए नहीं काम करो और काम करो या भोजन मतलब भोजन खाने के बाद कुछ नहीं होता है आपका हृदय में, आपका जीवन में कुछ नहीं होता है, लेकिन यह भोजन यीशु आपको और मुझे दे रहा है। यह भोजन के लिए सोचिए या भोजन के लिए सोचिए और यह भोजन के लिए काम कर दीजिए। वो भोजन पृथ्वी पर वो भोजन हाँ आप और मुझे प्राप्त करेगा वो भोजन नहीं। यीशु यह भोजन दे रहा है, यह भोजन आनंद जीवन मिलने के लिए यह भोजन दे रहा है। उस भोजन के लिए उस भोजन के लिए हर रोज काम कर दीजिए। सो लेकिन
यीशु के प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों, हर रोज़ यीशु के बारे में सोचो। यीशु के सप्त में सप्त सप्त के बारे में सोचो। यीशु के भोजन के लिए सोचो। यीशु के भोजन मिलने के लिए कोशिश कर दी कर करिए कोशिश कर दीजिए। शुक्रिया।